दिल्ली नगर निगम के भाजपा पार्षदों ने सोमवार को सिविक सेंटर पर धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि डीबीसी, उद्यान विभाग और डाटा एंट्री ऑपरेटर कर्मचारियों के सेवा अनुबंध का नवीनीकरण किया जाए। इस संबंध में उन्होंने महापौर के ओएसडी को मांग पत्र भी सौंपा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भाजपा के ये पार्षद हाथों में तख्ती लिए हुए बैनर लेकर मुख्यालय के आगे प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही उनकी मांग है कि डीबीसी, उद्यान विभाग और डाटा एंट्री ऑपरेटर कर्मचारियों की सेवा अनुबंध का नवीनीकरण किया जाए। आपको बताते चले कि हजारों की संख्या में डीबीसी कर्मचारियों की ड्यूटी समाप्त कर दी गई है, जिसके चलते भाजपा पार्षदों का ये प्रदर्शन चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज, दिल्ली। इससे ज़्यादा घटिया बात और कुछ हो नहीं सकता। जिस केजरीवाल ने पहले जनता के बीच में वादा किया था, हम रोज़गार देंगे, सबको परमानेंट करेंगे, आज 10-10 साल से लगे हुए कर्मचारी जो अटक पे थे या अनुबंध पे थे, चल रहे थे, उनको एकदम से सबको निकाल दिया, सबको घर बैठा दिया। अब ऐसी स्थिति में उनके परिवार, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, एकदम से सड़क पर ला दिया है। केजरीवाल जी ने कहते कुछ और है, करते कुछ और है, आज जनता के बीच में आज और भी उनके जो मनसा थी वो उजागर हो गया है। आज इस सभी कर्मचारियों को हित के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी निगम पार्षद यहाँ पे बैठे हुए हैं कि उनको बेरोजगार न किया जाए। कृपया उनके ऊपर एक बार फिर से पुनः विचार किया जाए, वो बेरोजगार हो जाएंगे। रोजगार बेरोजगारी वैसे ही दिल्ली में आज 7-8 सालों से 9 सालों से चल रही है। ऐसे में अगर इनको घर बैठा दोगे, और उसके अलावा भी अभी हॉर्टिकल्चर के हैं, डीबीसी के सारे कर्मचारी कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, ये काम चलेगा कैसे, क्षेत्रों में काम कैसे होगा? एकदम से आप नए कर्मचारी लाओगे तो वो समझ नहीं पाएंगे, तो ये दिल्ली के और दुर्भाग्य होगा, एमसीडी और कमज़ोर होगी। इसलिए आज यहाँ पे बैठ करके उनको उनका आगाह कर रहे हैं कि केजरीवाल होश में आओ, और इन कर्मचारियों को आप जो घर बैठा दिए हैं उनको पुलर वापस बुला करके इनको पहले से जैसे चल रहे थे उनको रोज़गार देने का काम करें। तो उसमें कुछ प्रकाश डालेंगे, जिस तरह से दिल्ली की महापौर ने एक यहाँ कर्मचारियों के अगेंस्ट इनका एक तरह से अंदरूनी मुहिम चलता है, ऊपर से तो ये लगता है कि जैसे कि गरीबों के हित में, कर्मचारियों के हित में, परंतु जिस तरह से इनका कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को उनको कॉन्ट्रैक्ट न बढ़ाना, आप देखिए पार्कों में दयनीय स्थिति होती चली जा रही, 2-3 महीने के अंदर सफाई कर्मचारियों का ही कर नहीं रहे, इसी तरह से जो डीबीसी कर्मचारी थे नहीं पता है, पूरी जवानी उन्होंने यहाँ पर काम करके निकाल दिया, निगम की सम्मान बढ़ाने में लगा दिया, आज वो कहीं और कहीं जॉब मांग भी नहीं सकते, और यहाँ भी उनको आप न पक्का कर रहे हो, न उनका आगे बढ़ा रहे हो। तो उसको लेकर के हम सभी भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद यहाँ पर एकत्र हुए थे, और महापौर से इस बात के लिए दबाव डाला और उनसे आग्रह किया कि आप इन सभी को रेगुलर करें और इनको परमानेंट काम करने की अनुमति प्रदान करें। आप अगर किसी कर्मचारी से पूछिए क्या उनको आज हाजिरी लगाने दी गई है, सारे उद्यान विभाग के कर्मचारी, उनको कोई हाजिरी लगाने नहीं जा रही। डीबीसी कर्मचारियों को अगर आज वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर देते हैं तो उनका एक ब्रेक माना जाएगा। तो ऐसे में मेयर साहिबा को आज ही ऑर्डर निकालना चाहिए था, और प्रत्येक अधिकारी को अभी तक किसी प्रकार का कोई मैसेज नहीं गया। तो ये केवल एक तरह से राजनीति करने का विभाग के कर्मचारी। देखिए हमारे 980 जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि हमारे लाइसेंसिंग विभाग में, हेल्थ विभाग में, डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट वाले विभाग में और अन्य हाउस टैक्स के विभाग में काम करते हैं। एक तरह तो हम सारा डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, उनको कौन करेगा? सबके लाइसेंस रुके, सबके बर्थ सर्टिफिकेट रुके, सबके डेथ सर्टिफिकेट रुके हैं। इसी प्रकार से आज सारे पार्कों के अंदर 4 दिनों से कोई कर्मचारी वहाँ नहीं पहुँचा, और वहाँ पार्कों में कूड़ा इकट्ठा करना शुरू हो गया। एक तरफ आप एनवायरमेंट की बात करते हो, उस दूसरी तरफ पार्कों को गंदा कर रहे हो। इसी प्रकार से डीबीसी कर्मचारी
भी जो हमारे थे, आज एक तरफ डेंगू का प्रकोप छाने की लोगों दिल्ली के अंदर एक आशंका छाई हुई है, साथ साथ कोरोना की भी जिस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसमें डीवीसी कर्मचारी का बहुत बड़ा योगदान था, उसको भी उन्होंने भुलाकर आज उनका भी एक ब्रेक दे दिया। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9211 3292, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।